Flash like a time, don't know how to feel. But I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, cause fuck how we feel. But for now, मुझे पता है कि
आपसे बेहतर लड़की कभी नहीं मिलेगी। आप मेरी बेटी को बिल्कुल अपनी सगी बेटी के जैसा प्यार करेंगे, मुझे यकीन है, और बाकी लड़कियों पर मुझे भरोसा नहीं। वाह, मतलब आप अपने फायदे के लिए मेरा यूज करेंगे और मैं अपना यूज होने भी दूंगी। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं शादी नहीं कर सकती। ताई प्लीज लिसन, देखो अगर तुम हाँ करोगी ना तो मेरी बेटी को एक माँ मिल जाएगी, और अगर तुम ना करोगी तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, और मेरी बेटी को अपना पूरा बचपन बिना माँ के गुजारना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। आई नो तुम हमारे पास्ट की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, लेकिन पास्ट की बात पास्ट में ही रहने दो ना। और वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि पास्ट की बात पास्ट में ही रहने दो, और इसलिए मैं अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में नहीं लाना चाहती, और ना ही अपने प्रेजेंट में, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। इतनी चोट तो रोज लगती है, इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता, चोट खाने की आदत जो पड़ गई है। गॉड, तुम्हारा मैं क्या करूँ, अकेले रहती हो तो कम से कम ध्यान तो रखा करो ना। अगर चोट वोट लग गई और अगर तुम्हारे पास कोई नहीं हुआ तो फिर तुम्हें कौन देखेगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम शादी करो मुझसे, अगर तुम्हारे पास मैं रहूंगा तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, तुम बोलो या ना बोलो। प्लीज ये रट लगाना बंद करो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले काफी हूँ और मैं अकेले खुश हूँ। रियली तुम खुश हो, लेकिन मुझे तो तुम किसी भी एंगल से खुश नजर नहीं आ रही हो। बेटा ये क्या फालतू बकवासें कर रही हो, हम कोई किस विस नहीं करने वाले थे, वो तो बस मैं उनकी आँख से कचरा निकाल रहा था। वैसे तुम खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। हाँ भूख तो बहुत जोर से लगी है। ठीक है आप मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ऑफ कोर्स बेटा, मैं तो तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी ही, क्योंकि मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और देखो ना, मैं सारी तुम्हारी फेवरेट चीजें बनाई है जो तुम्हें पसंद है बहुत ज्यादा। हाँ मैम, आपको तो मेरी सारी पसंद के बारे में पता है, आपने तो वही वही सब बनाया। थैंक यू सो मच। हुआ ही नहीं, मुझे लगा था कि शायद मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन
तुम तो उल्टा चिल्ला रही हो, पर हाँ तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे सच में ऐसा कुछ करना ही होता ना तो मैं तुम्हारा 2 साल तक वेट नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ तब का बहुत कुछ कर चुका होता, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा करता ही नहीं। तुम अब शायद मुझे और भी ज्यादा घटिया इंसान समझने लगी होगी, लेकिन मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे कैसा भी इंसान समझो। सच में मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो एंड गुड नाइट। जी होप मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है इतनी रात को। ओके ठीक है, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। बात जिमिन और शुगर के बारे में, आई मीन मैं उनके रिश्ते के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, बात बहुत जरूरी है, मेरी बेटी के बारे में बात करना है। तो फिर ठीक है ना, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। जी होप आपने कुछ नोटिस नहीं किया, आई मीन आपने देखा नहीं कि मतलब उन दोनों में तो मुझे जरा सा भी प्यार नहीं दिखता। उन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों को जबरदस्ती साथ में रखा गया हो, वो अपने मन से ना रह रहे हो और ना ही मैं अपनी बेटी को खुश देख पा रही हूँ। तो तुम कहना चाहती हो कि हमारी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटी के चेहरे पर देख कर पता कर सकती हूँ कि वो खुश है या फिर नहीं, और मुझे जमीन कहीं से भी खुश नजर नहीं आ रही थी। अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, आई नो कि तुम एक माँ हो, तुम्हें अपनी बेटी की बहुत ही ज्यादा परवाह है, लेकिन हो सकता है जमीन किसी बात से परेशान हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। देखो उन दोनों की शादी को 2 साल हो गए, 2 साल से वो दोनों साथ में रह रहे हैं, अब पहले वाली बात थोड़ी ना रह जाएगी, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, ऐसी कोई बात नहीं है, जमीन खुश है। जी होप आप एक बाप के नजरिए से देख रहे हो, लेकिन मैं एक माँ के नजरिए से देख रही हूँ। मुझे पता चल रहा है कि जमीन किसी भी हालत में खुश नजर नहीं आ रही है, न जाने उसने ये 2 साल कैसे काटे होंगे, ये सिर्फ वही जानती है। पर अगर सच में